सवाल दो, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स का बहुत शाम दोस्त कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में, जहाँ पे विजडम का एक एजुकेशनल सेमिनार हो रहा है, जो कि अकेडमी ऑफ लेटर्स यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, शख्सियात आई हैं, जैसे मतलब के हवाले से बात करेंगे, एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, कुछ गेस्ट आई जाते हैं। अच्छा जी, इस मौके पे हमारी फिर होती है कि हमारी आज 12 मुलाकात हो रही है डॉक्टर और हम शानदेव कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मैडम? तो पैशन। अच्छा मैडम, बहुत खुशी की बात है आज आपसे इतनी सी इवेंट में मुलाकात हुई, कैसा रहा ये? तभी तो यही है कि मेरा ब्लॉग और इस लग कर रहा है जो स्कूल है वो दिन तो भी दिन बन गया था अपने बच्चों बहुत ही अच्छा लगा उठाया हुआ है उसके साथ एक बहुत मकसद मेहमान मौजूद हैं, उनके नाम जानते हैं, ये सेशन कैसा रहा, ये इवेंट कैसा रहा उनकी राय में? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहम सरी है और मैं प्रिंसिपल और सीईओ हूँ। अच्छा, आपके सवाल का जवाब ये है कि भाई अभी चश्मी बाकी जी बात ये छोटा सा वो है, क्योंकि करिकुलम में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो एडिशन होने वाली है और उसके लिए पहले हमें उसको तयन करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से उसको लेकर जाना है। काफी काम लेकिन इंशाल्लाह काम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ माहिनीमा मैडम मौजूद हैं, जो कि स्पेशल स्पेशलिस्ट हैं, आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा, इवेंट कैसा रहा? मुझे पता करें टोरी के हवाले से हमने बात की, यहाँ पे डॉक्टर्स और प्रोफेसर आए हुए थे और सबने अपनी राय का इजहार किया। आज से चल रहा है करंट जो सेटिंग है एजुकेशन में काम कितना हो रहा है नहीं हो रहा है और जितने हमारे यूथ इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और हम जितना एडवोकेट करें उसको जितना बात करें। अच्छा जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आज यहाँ पे मुलाकात हुई इवेंट में मुलाकात हुई है फेल सही खान साहब से, जो कि हवा के दोष के बहुत मोहब्बत करने वाले। ये इवेंट कैसा रहा, आइए जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम शरदार, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ इकट्ठे होते हैं, जब हम दोनों बड़ा उमदा टिकड़ी चाशनी सी पैदा हो जाती है। कैसा रहा इवेंट सर? बहुत बड़ी अच्छी बात है, यानी सोच का होता है, सोच का आज असल बात तो भी जाए आगे बढ़े, यानी पहले तो अमल होगा शुरू और वो अमल है यानी तदवीन, फिर तकवीनी अमल, यानी हम पहले उसको तमाम चीजों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। ये सारा गौर और फिक्र हुआ होगा हमारे कच्चे हुए और उसके बाद अब उसको जब हम तदवीन के मरहले में दाखिल करेंगे फिर हम जाएंगे तकवीन, यानी कौन कौन से निकला तकवीन, यानी होने का उस काम को पूरा किया जाना, कैसे वो सब अगले आज तो सोचे इकट्ठी हुई सफर का आज हो रहा है। सफर का आज यानी ये नुकता है आज था, अभी समीना बनेगा तो कार्रवाई जोड़ने के लिए चंद लोग कच्ची हूँ और वो ये चाह रहे थे कि आज ही अगर करने के लिए मना उसको बहुत सारे कर नहीं और अच्छी बात नहीं। डॉक्टर साहब नहीं सही लेवल पर अपने कुछ ना कुछ दिया जलाते थोड़ी रोशनी करे। जो कि टीचर जो हैं, ये उस्ताद हैं इमरान साहब, और मेरी एक आदत है कि मैं उस्तादों की हमेशा बहुत इज्जत करता हूँ, तो जिस तरह मैं इस तरह यकीन करता हूँ, आइए आपकी बात करवाते हैं इमरान साहब। सॉन्ग सर, कैसे सर? ये इवेंट था जो कि करिकुलम के हवाले से था, डिफरेंट प्रोफेसर आए हुए थे, डिफरेंट डॉक्टर्स आए हुए थे, इस हवाले से आपकी क्या? देखें ये डिफरेंट हुआ
मैं कहता हूँ कि मैरिज की तरफ से ये एक शुरुआत थी, लेकिन ये है कि उनकी ये शुरुआत इंशाल्लाह उनको बहुत आगे तक लेके जाएगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर गई है, हमारे सबके लिए एक साखली दरवाजा था कि हम कैसे इसको आगे बढ़ के जो है ना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एक थोड़े से दो घंटे के सेशन के अंदर या दो घंटे के अंदर हम पूरा कैरिकुलम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ट्रेनिंग के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि हमने मोटिवेट किया है, रहनुमाई दी है इस तरफ आप। तो मैं हरीम का मशहूर अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम के अंदर मैं भी मशहूर हूँ और आप भी मशहूर हूँ कि इस तरह की चीज़ों को हमें आगे देते हैं। हमारे मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर आपको मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन तालीम के हवाले से ऐसा ऐसा पीढ़ी भी छोड़ गया आपको, तो बाकी तो शहज बात की बात है, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए जिससे अब मैं ये कहता हूँ कि हमारे अंदर जो है आगाही जिद्दत आ रही है, जिद्दत हम अपने अंदर ले, तो हमें एक वक्त जो है वो मुहैया करने चाहिए अपने आप को, अपने बच्चों के लिए और अपने अपने लिए, ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, हम बातें ना करें बल्कि एक अच्छी शुरुआत करें और उस शुरुआत को आगे लेके बढ़े ताकि मंजिल मिले। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है जिनका नाम है वसीम। वसीम एक कामयाब बिजनेसमैन है, इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इवेंट कैसा रहा उनकी राय जानते हैं। बड़े लोग आए यहाँ पे लेक्चर उसके बाद अच्छी चीजों को पॉइंट आउट किया, इस तरह के इवेंट होते रहना चाहिए। जब भी कोई इवेंट पैरा हम दूसरे तक पहुंचे समय ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा मिसने जी, बहुत अच्छी काम है, मतलब मैं इनको बहुत सराहूंगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इवेंट ऑर्गेनाइज किया मैडम मेरी डे मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में, और ये हमारा एग्जाम्पल एफएक्ट एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट है जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ये एसएम ग्रुप से भी एफिलिएटेड है, और एक और जगह से भी मैं एफिलिएशन करवा रही हूँ, जिस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग हमारा प्रोग्राम हो जाएगा तो चीजें आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। आपके लिए दुआ वो है कि आपका इंस्टीट्यूट और आपके मकासद बहुत ज्यादा आगे जाए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे इनिशिएटिव इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे, अभी ऑफिस में एक बड़ा प्रोग्राम है तो बस दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गर्म जोशी देखने में आई, क्योंकि हर आदमी में इतने गर्म जोशी थी पसीना निकल रहा, और वो कहते हैं सर कि आप इतना भी ना चाहोगे कम निकल जाए, तो ये सारी मोहब्बत की बात है। बाकी थोड़ी बहुत हमने बात ये की साफ क्या होना चाहिए, आने वाले पीढ़ी को हम क्या पढ़ाए, उस्तादों की तरबियत कैसे करें, और वो जब हम अपने आप को बोलना शुरू करें कि जो हम ये करते हैं वो हम है कैसे, ये सारी चीज बहुत सारी बातें हमने गलत की, बहुत सारी बातें सीख गए अच्छी है, अब हम नहीं करते ऐसे, बहुत सारी बातें हमने बहुत अच्छी सीखी है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने बहुत गलत सीखी, जैसे हमने दीन को दुनिया को अलग कर दिया, तो ऐसा लगता है कि दीन ही इल्म अलग है तो दुनिया भी इल्म अलग है, तो दीन फिर हमारा रस्में बन जाती हैं कि ये नमाज पढ़ते हैं पाँच वक्त की और रोज़ा रखते हैं बस, या इस्लाम है तो वो जो हमको एहसान की जो कैफियत थी कि लोगों के काम आना है वो कहाँ चला गया, वो तो डूबो था, क्योंकि दुनियावी तालीम में तो हम सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और सोसाइटी की बातें करते हैं, लेकिन सारी रस्में कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाए, समझिए कि सदियाँ अगर लंबे हो जाए तो हम 1000 साल पीछे चले गए, तो आप देखेंगे कि हमको ये क्यों हुआ कि जिस जगह तुम इशरत से सुकून से रहते हो वहाँ से तुम उतर जाओ और एक जजीरे में चले जाओ, और जजीरे में तुम्हें उस वक्त तक रहना है जब तक तुम्हें हम वापस ना, और जब वापस बुलाएंगे
तो तुम्हारा काम ये है कि आने वाली पीढ़ी को किश्ती बनाना सिखा सुहेल सईद खाना शकील अहमद खान साहब हमारे दिलों की धड़कन हैं शकील अहमद खान आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और मजीद डिस्कशन हमारे जी सर प्लीज प्लीज चाय के लिए मेरा से प्रश्न पेश करें।